निराश्रित गौवंश एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कवायद में जुटी हुई है। शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में निराश्रित गौवंश के अस्थायी आश्रय स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। आगरा में भी विशेष साप्ताहिक अभियान निराश्रित गौवंश को पकड़ने का चल रहा है। निराश्रित गौवंश पहले से ही एक समस्या थे, लेकिन सांडों के हिंसक होने से वे लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, जिसके चलते दर्जनों लोगों को अपनी जान आगरा में गंवानी पड़ी है। मंडलायुक्त ने निराश्रित गौवंश की समस्या पर अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव को चेतावनी और नगर पशु चिकित्सा अधिकारी को एडवर्स एंट्री दी थी। वहीं जिलाधिकारी ने मंडलायक और शासन के निर्देश पर सभी नगरीय निकायों को आवारा पशुओं को आश्रय देने और उन्हें पकड़ने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में नगर निगम विशेष साप्ताहिक अभियान चला रहा है। इसमें गौवंश संरक्षण के लिए फिर से 7 दिन का एक महाअभियान चलाने की कार्य योजना बन रही है और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। और बेसिकली जो दिक्कत थी कि गौवंश को पकड़ने के बाद उसको कहाँ स्थानांतरित करें, उसको लेकर के जिला प्रशासन से बात हो गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गौशालाओं को चिन्हित करने का काम उनके स्तर पर किया जा रहा है। तो यहाँ से गौवंश को पकड़ करके कैटल कैचर के माध्यम से उन अस्थायी गौशालाओं में स्थानांतरित करने की योजना। आगरा में पशुपालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम अब गौवंश की चिन्हीकरण की कार्रवाई का अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत हर पशुपालक के यहां गौवंश की संख्या सूचीबद्ध होगी, जिनका हर पखवाड़े में सर्वे कराया जाएगा। अगर किसी गौवंश की संख्या कम पाई जाती है तो संबंधित पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक नगर निगम पशुपालकों से 5 लाख रुपए अर्थदंड के रूप में वसूल चुका है। निश्चित तौर पर पिछले 2 महीने में पशुपालकों से जुर्माने की धनराशि लगभग 5 लाख रुपए हमने जुर्माना लगाया है और 2500 से ज़्यादा पशु पकड़े भी हैं। इस बार उनके नाम नोट करके अंतिम रूप से चेतावनी दी जा रही है, नहीं तो पशु को जब्त करते हुए हम लोग नीलामी की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आवारा सांडों की समस्या से उत्तर प्रदेश के किसान और राहगीर अजीज आ चुके हैं। इस समस्या को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसके दृष्टिगत सरकार ने एक नीति बनाकर सभी जिलाधिकारियों को इस नीति का पालन करने के आदेश दिए हैं। हर जगह अस्थायी आश्रय स्थल बनकर निराश्रित गौवंश को उसमें आश्रय दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पशुपालक गौवंश पालते हैं उनको प्रतिदिन प्रति गौवंश 40 रुपए की धनराशि भी दी जा रही है। कोई भी पशुपालक अगर गौवंश को आवारा छोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंश के लिए आश्रय स्थल जरूर बनवाए हैं, लेकिन सांडों का प्रकोप सड़क पर और किसानों की खेती पर जारी है, जिसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार पर हमलावर हैं। सांडों का प्रकोप इतना है कि तमाम लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब सरकार इस पर गंभीर है। मुख्य सचिव से लेकर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सांडों की समस्या से लोगों को निजात दिलाएं। मंडलायुक्त ने तो बाकायदा अपर नगरायुक्त को चेतावनी और नगर पशु चिकित्सा अधिकारी को एडवर्स एंट्री तक दे दी है और 7 दिन का समय दिया है। यही वजह है कि नगर निगम में 7 दिन का विशेष अभियान चला है, जिसमें निराश्रित गौवंशों के साथ सांडों को पकड़ा जा रहा है और इनको जहाँ जहाँ आश्रय स्थल बने हुए हैं वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन के निर्देश का इन नगरीय निकाय अधिकारियों पर कितना असर पड़ता है और क्या सड़क पर बेतरतीब तरीके से घूम रहे सांड आश्रय स्थलों में जाते हैं या नहीं। नगर निगम से अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।